गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जी के क्लास फर्स्ट चैप्टर सेवन चैप्टर टाइटल इज़ इन दर्ड ऑफ फेरीटाइल्स माई सेल्फस्टमिजादी है एम यो और जी के टीचर स्टूडेंट्स ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं चलिए यहाँ पर देखिए ह्यूमन बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में बताए जाएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स चलिए स्टार्ट करते हैं ए मैन हैज़ अबाउट सिक्स एट लीटर्स ऑफ ब्लड इन हीज़ बॉडी वाइल अ वमेन हैज़ अराउंड फाइव लीटर्स जो uh, मनुष्य का शरीर होता है उसमें कितना वो होता है कितने लीटर ब्लड होता है होता है सिक्स से एट लीटर के बीच में जबकि एक जो वुमेन होती है उसमें होता है फाइव लीटर नेक्स्ट आई एवरीवन हैज यूनिक स्मेल सभी चीज़ में एक अलग खुशबू होती है ख़ास ए यूनिक फिंगरप्रिंट एंड ए यूनिक टंग टंग प्रिंट मतलब एक तो स्मेल अलग होती है और एक फिंगरप्रिंट होती है अलग मतलब ये चीज़ें सबसे अलग होती हैं आप सबके पास नेल्स आर अ पार्ट ऑफ द बॉडी बट हैव नो कनेक्शन विद ब्लड वेसल्स एंड द नर्वस सिस्टम जो नेल्स होते हैं वो बॉडी के पार्ट होते हैं लेकिन उनका कनेक्शन किससे नहीं होता ब्लड वेसल्स से और नर्वस सिस्टम से हैंज ड्यूरिंग दैम डज नॉट हर्ट अस हैं कटिंग दैम डज नॉट हर्ट एम लेकिन जब हमने काट हैं तो हमें वो हमें हर्ट नहीं करते हैं योर आइज रिमाइंड द सेम साइज़ आफ्टर बर्ड आपकी जो आँखें होती हैं वो बर्ड जैसी बर्ड के समय होती हैं वैसी रहती हैं सेम बट योर नोज एंड यर्स नेवर स्टॉप ग्रोइंग लेकिन जब कान हैं और नाक है वो उसका बढ़ना कभी नहीं रुकता है द हार्डेस्ट बॉर्न इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द जबॉर्न जो हार्डेस्ट बॉर्न होती है ह्यूमन बॉडी की वो जॉब होती है यू हैव मोर देन वन लाख हेयर वन लैक हेयर स्ट्रैंड्स ऑन योर हेड आपके सर पर कितने एयर हैं किससे ज़्यादा हेयर है एक लाख से भी ज़्यादा बाल हैं ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम अपनी लाइफ टाइम के समय यू विल प्रोड्यूज इनफ सलीवर टू फिल टू स्विमिंग पूल्स मतलब आप यू विल प्रोड्यूस तुम प्रोड्यूस करते हो इनफ सलीवा टू फिल टू जिससे दो स्विमिंग पोल्स भर जाते हैं ना स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको फेरी टेल्स के बारे में बताया जाएगा एवरी वन लर्स टू रीड और लिसन टू फेरी टेल्स सभी को परियों की कहानियाँ सुनना पढ़ना पसंद होता है मुझे भी बहुत पसंद था जब मैं छोटी थी अब भी पसंद है और आई होप आपको भी सुनते होंगे अपने दादा दादी से या मम्मी से पापा से तो आपको भी पसंद होंगी ये दे आर फुल ऑफ ऑन ये मस्ती से भरी होती है द पिक्चर ऑफ सम फेरी टेल्स हैव बीन गिवन ब्लो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं फेरी टेल्स की मैच दैम बाई राइटिंग द करेक्ट लेटर इन ईच बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू ये आपको क्या कर रखा है उन्होंने आधा नेम लिख रखा है आधा आपको पूरा खुद से करना है फेरीटेल्स का एक उन्होंने आपके लिए डन कर दिया है और आगे आपको क्या करना है फाइंड आउट करके वो बॉक्स के अंदर लिखना है मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं चलिए फर्स्ट है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्राफ्ट ये स्टोरी सबने सुनी है एलाइस इन वंडरलैंड नेक्स्ट सीखिए ब्यूटी एंड द बीस्ट ये सभी स्टोरीज स्टोरी मैंने पढ़ी हैं स्टूडेंट्स आई होप आपने भी सुनी होंगी नहीं सुनी है तो आप अपनी मम्मी से बोलिए वो आपको सुनाएंगी स्लीपिंग ब्यूटी सिंधवाद द सेलर सिनरेला ये स्टोरी तो सबसे बेस्ट है सिनरेला की हमने स्टोरी सुनी है कि उसका वो परी खूबसूरत सी बन जाती है राजकुमारी और वो राजकुमार के स्वयंवर पर जाती है और वहाँ उसका जूता खो जाता है वो जूते की मदद से उसे खोजता है उसकी आपने ये स्टोरी सुनी है अपनी मम्मा से सुना बहुत अच्छी स्टोरी है रापुंजल ये भी बहुत प्यारी स्टोरी है फिर है पिनोचियो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको स्टोरीज uh, अपने घर में सुनेंगे क्योंकि ये स्टोरीज़ वाकई बहुत अच्छी हैं और इनके नेम आपको लर्न करना है ना इफ़ यू एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस यू कैन आस्क मी आई कैन सॉल्व